गेम के ट्रायल हुए थे तो एशियन सिल्वर मेडलिस्ट जितेंद्र को इन्होंने हराया था और अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियन सागर जागलान को और उसके बाद एशियन सिल्वर मेडलिस्ट गौरव बालियान को भी हराया था और उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। सभी धुरंधरों को हरा कर यहाँ पहुंचे हैं भारत में, लेकिन अभी पाकिस्तानी पहलवान के खिलाफ इनका मुकाबला है। 5 गोल्ड भारत कुश्ती में जीत चुका है, अगर ये 6ठा गोल्ड जीतते हैं तो ये रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि पहले कभी भारत ने 6 गोल्ड नहीं जीते हैं। मोहम्मद शरीफ ताहिर भी बहुत अनुभवी नहीं है, सिर्फ 20 साल की इनकी आयु है, तो दो युवा और बेहद प्रतिभाशाली पहलवानों का ये मुकाबला है 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। कल भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था गोल्ड मेडल के लिए, वहां भारत ने जीत हासिल की थी। अभी कृपा शंकर जी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, आज भी हैं। लकी चाम, क्या गोल्ड्स का छक्का लगेगा, बाउंड्री के बाहर जाएंगे, 6 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आएंगे, तैयार हो जाइए। नवीन बनाम ताहिर, भारत बनाम पाकिस्तान गोल्ड मेडल का मुकाबला है दोस्तों कुश्ती में। पहला लेग अटैक करने की कोशिश ताहिर की, एक 19 वर्ष के तो दूसरे 20 वर्ष के, लेकिन प्रतिभा देखिए कि अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए फाइनल तक पहुंचे हैं। ज्यादा गठीले ताहिर लग रहे हैं कम से कम इस एंगल से, या ये एंगल ही ऐसा है। अच्छा, नवीन की क्या क्या खूबी है कृपा जी जो देखनी चाहिए? देखिए, नवीन लेग अटैक काफी अच्छा करते हैं और इस बार गट्टे में लगे थे पांव के, जैसे मैंने बोला और उन्होंने सुन लिया, लेकिन उतने ही खूबसूरती से ताहिर ने अपना पैर बचाया, एक अच्छा मुकाबला बनता नजर आ रहा है। कुलप को तो लग रहा है कि दोनों एक ही शैली के और एक ही प्रतिभा के रेसलर हैं। भारत के पिछले दोनों गोल्ड मेडल तकरीबन एक तरफा ही आए थे, विनेश का भी और रवि कुमार दहिया का भी। और जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हॉकी कहाँ है, तो दोस्तों अभिषेक नैन ने 1-0 की लीड वहां दिलवा दी है, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। यहाँ आप गोल्ड मेडल आता हुआ देखिए, फिलहाल उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु ये मेडल का मुकाबला है, इसीलिए हम आपको जल्दी से हॉकी से कुश्ती में ले आए हैं। और ये पेशियों का इशारा, पाकिस्तानी रेसलर को हिदायत दे दी गई है कि आप एक्टिव हो जाएं। आपको एक पेशियों मिल चुकी है, डिफेंस की कोई जगह नहीं है कुश्ती में। बगल में हाथ अच्छा फंसा के रख रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं और उसी के झोंके के साथ 2 अंक की बढ़त बना ली है भारतीय पहलवान नवीन, जो कि नेवी में कार्यरत है। बहुत ही बेहतरीन नौफितले बांधने का प्रयास नेवी के नवीन। ओह क्या बात है, उठा के दीजिए एक जोरदार पटकी। बच गए ताहिर, बच गए। ना ना, रुकिए रुकिए प्रभु, अभी विसल बच चुकी है, लेकिन वो टेक डाउन बहुत अच्छा था। और जब इस तरह से दोनों पैर उठाए जाते हैं, वहां रेसलर की क्या मंशा होती है कृपा जी? रेसलर की मंशा होती है कि किसी भी तरह उठाकर अगले हिस्से को पीठ की तरफ डेंजर कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी पहलवान ने बहुत अच्छा बचाव किया, तारीफ करनी होगी। दोनों ही कद काठी में बराबर, वजन में बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय पहलवान भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। 6ठा गोल्ड भारत की झोली में आ सकता है। आपके मुंह में घी शक्कर, मुझे पता है उससे वजन बढ़ जाता है, लेकिन आप कुश्ती करके बराबर कर लेंगे तो बहुत सारा घी शक्कर आपके मुंह में कृपा जी। नवीन कोशिश करते हुए कि एक और ग्रिप मिले, और ताहिर बच रहे हैं कि कहीं पैसिविटी जोन से बाहर ना उनको धकेल दिया जाए, इसीलिए बीचों बीच ले आए हैं। आधा मिनट बाकी है अभी राउंड नंबर 1 में, पर ऊंचा रखिए। बिल्कुल, उनके कोच ने कहा सर ऊंचा रखिए, नहीं तो रेफरी की नजर पड़ जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। और मुझे लगता है ताहिर का कहीं ना कहीं स्टेमिना कम है, वो अगले 3 मिनट का इंतजार कर रहे हैं कि ये राउंड तो गया, अगले 3 मिनट में कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकूं, स्टेमिना को बचाऊं, अभी ज्यादा ना उलझूं। समर्थन पूरा नवीन के साथ है, और लेग अटैक की ट्राई थी, नवीन ने लेग अटैक होने नहीं दिया है। ताहिर फिर से कोशिश कर रहे हैं, पहला राउंड खत्म हो चुका है, गोल्ड मेडल का मुकाबला है, भारत की नेवी के नवीन 2-0 से आगे हैं और भारत को आशा है 6ठे गोल्ड मेडल की। उसके लिए नवीन को लगातार प्रहार करने होंगे दूसरे राउंड में, डिफेंसिव कुश्ती का कोई स्थान नहीं, 2-0 की बढ़त ना काफी है। ये स्लो मोशन किस तरह से पुल पुश किया, लंबा कर दिया, पीछे चले गए दूसरी तरफ से और 2 अंक अर्जित किए। बिल्कुल, 2 अंक की बढ़त काफी नहीं है रेसलिंग में, 2 पॉइंट की बढ़त
और कृपा जी के सामने पड़े 2 किलो लड्डू कब साफ हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुनील, इसमें आप भी शामिल हो, हम दोनों 2 किलो लड्डू निपटा सकते हैं। मैं एक खाऊंगा सर, बाकी आपके, आप पहलवान हैं, आप कुश्ती करके वजन बराबर कर लेंगे, मुझसे जिम नहीं किया जाता ना कुश्ती की जाती है। चलिए, कुश्ती करनी इन दोनों को भी आती है, नवीन और ताहिर। जोक्स पीछे, सीरियस कुश्ती सामने। भारत बनाम पाकिस्तान, दर्शकों के लिए इससे ज्यादा रोचक किसी भी खेल का फाइनल नहीं हो सकता है। इस बार वॉर्न किया है नवीन को, खेल भावना के साथ कुश्ती करें हैं, उंगली ना तोड़े हैं, टक्कर ना मारे हैं, आप ग्रिप के साथ कुश्ती करें। हॉकी में भारत की 1-0 की लीड है साउथ अफ्रीका पर। अभिषेक नैन ने स्कोर किया, उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और फिलहाल नजरें नवीन पर, क्या भारत का 12वां गोल्ड और रेसलिंग का 6ठा गोल्ड मिलने वाला है। और इस बार एक्टिवेट टाइम में डाल दिया गया है, पाकिस्तानी पहलवान हार रहे हैं फिर भी डिफेंस कर रहे हैं, इससे स्टेमिना पता चलता है। उनके नाम के सामने देखिए उल्टी गिनती चल रही है, अगर 30 सेकंड में उनको पॉइंट नहीं मिला तो 1 पॉइंट नवीन को अपने आप मिलेगा, लेकिन नवीन कोशिश कर रहे हैं कि उस 1 पॉइंट को छोड़िए, मैं टेक्निक लगा के पॉइंट लेना चाहता हूं। लेग अटैक नहीं बन रहे ताहिर के, उल्टा नवीन का लेग अटैक बन सकता है। ताहिर, ओ एक मौका मिल गया लेग अटैक करने का, पर नवीन का डिफेंस है। नवीन क्या घूम के पीछे आएंगे, नवीन क्या उल्टा करके चित करेंगे, 1 पॉइंट तो मिल जाएगा नवीन को, लेकिन अभी तक 2 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट टेक डाउन के भी और 1 पॉइंट वो पैसिविटी का भी। 5-0 से आगे भारत, और क्या उल्टा सकते हैं नवीन, भारंदाज, एक और भारंदाज लगाइए, 9 पॉइंट, एक और भारंदाज लगाइए फिर गोल्ड मेडल आएगा। एक मूव, एक टेक्निक और चाहिए बस गोल्ड के लिए। कुश्ती के बहुत सुरक्षित हिस्से में पहुंच गए हैं भारतीय पहलवान, निश्चित रूप से गोल्ड मेडल के नजदीक हैं, नजदीक से चिपटना नहीं चाहिए नवीन को अभी भी, काउंटर अटैक पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से यह स्वर्ण पदक हमारा लगभग तय हो गया है। बिल्कुल, अब ना चूक नवीन, 1.5 मिनट कुश्ती का दंगल, अब ना चूक नवीन, 9-0 की लीड, 1 पॉइंट और मिल गया, 2 पॉइंट की अगर एक और टेक्निक लग गई तो 12वां गोल्ड मेडल सुनिश्चित हो जाएगा। और ताहिर को पता है कि अब पॉइंट्स पे जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए एक ही चारा बनता है कि नवीन को चित करें, पिन करें, या फिर क्योंकि पॉइंट इतने ज्यादा हैं उनके लिए वापसी पॉइंट्स के हिसाब से असंभव है। क्या है सुनील, कई बार खिलाड़ी सर लगाने लग जाता है और घुटने पे हाथ रखने लग जाता है, तो ये निशानी है कि आपका स्टेमिना कम है, आपकी थकावट साफ दिख रही है, आप बचना चाहते हैं, और आपके लिए यही काफी होगा कि भाई टेक्निकल सुपीरियरिटी से मैं नहीं हारा, अंकों के आधार पर हारा। बिल्कुल, जब हार हो रही है तो थोड़ा उसको सम्मानजनक बना लिया जाए, और अभी खड़े खड़े अगर ताहिर बाहर निकल जाते तो भारत को गोल्ड मेडल मिल जाता, क्योंकि अगर स्टैंडिंग पोजीशन में आप अपने विरोधी को ऑरेंज पट्टी से बाहर ले गए तो 1 अंक मिलता है, और भारत को 1 ही अंक चाहिए ये गोल्ड मेडल सील करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा, अभी भी झटका दिया है नवीन ने, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर ये मुकाबला खत्म करें, लेकिन मात्र 15 सेकंड बचे हैं, ताहिर भी जानते हैं कि ये मुकाबला इसी स्कोर पर खत्म हो जाए। बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि टेक्निकल सुपीरियोरिटी की हार उनके नाम के सामने लिखी जाए। गोल्ड मेडल आ रहा है, नवीन ने भारत का